सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मोहम्मद उवैस व्लॉग्स और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आज मैं ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी डिमांड आज के दौर में काफी बढ़ी हुई है। ये बिजनेस डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड का बिजनेस है। आप लोग ने देखा होगा, डिस्प्ले बोर्ड की एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें लोग अपने प्रोडक्ट्स का और अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। आप लोग भी ये काम शुरू कर सकते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को ये डिस्प्ले बोर्ड खरीदना होगा, उसके बाद कहीं पब्लिक प्लेस में या फिर कहीं रोड साइड में इस डिस्प्ले बोर्ड को लगवा दीजिए। आज इसी टॉपिक पे बात करूंगा आप लोगों से, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं मोहम्मद उवैस व्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। आजकल की जनरेशन में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की काफी ज्यादा वैल्यू है। देखिए दोस्तों, ये जो डिस्प्ले बोर्ड की स्क्रीन पे अल्फाबेट्स आते हैं, इसको कीबोर्ड से टाइप किया जाता है और पेन ड्राइव से भी हो जाता है। जिस नाम से आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है डिस्प्ले बोर्ड में, वो आप पेन ड्राइव में नंबर्स और अल्फाबेट लोड करके डिस्प्ले बोर्ड के सिस्टम में डाल सकते हैं। दोस्तों, बोर्ड जो रेंट पे लगाया जाता है मार्केट में, वो 576 mm × 576 mm के पार्ट्स में लगाया जाता है। आप इसको चाहे तो असेंबल भी करवा सकते हैं, रेंटल पर्पस के लिए बढ़िया रहता है। इसको P6 कहते हैं। इसमें आप वीडियो चला सकते हैं, एनिमेशंस चला सकते हैं, एनीथिंग ग्राफिक्स कुछ भी चला सकते हैं इसमें साउंड के साथ। जैसे आप लैपटॉप स्क्रीन पे वीडियो देखते हैं, वैसे आप इस डिस्प्ले बोर्ड पे चला सकते हैं। इसको पिक्सेल्स P6 भी कहते हैं। ये अराउंड 5000 से 5500 रुपए स्क्वायर फिट में मिल जाता है। इसको LED वॉल भी कहते हैं, LED स्क्रीन, वीडियो वॉल भी कहा जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए शादी पार्टी में भी रेंट पे दिया जाता है। आप इसको खरीद के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी आप लोगों की तरफ से अगर आप लोग ये काम शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें एक और मॉडल आता है, ये P4 मॉडल होता है। इससे पहले जो बताया था मैंने, वो P6 मॉडल था। P4 मॉडल की जो क्वालिटी होती है काफी अच्छी होती है, और ये 6500 रुपए स्क्वायर फिट में आप लोगों को मिल जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आपको कोई लाइव कंसर्ट दिखाना हो डिस्प्ले बोर्ड में, तो आपको उसके लिए अलग से वीडियो प्रोसेसर लेना पड़ेगा। ये अलग से एसेसरीज आप लोग को लेनी पड़ेगी। इसकी रेंज लगभग 30 से 40 हजार रुपए आती है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा। आप लोगों ने रोड साइड में देखा होगा लाइव कंसर्ट चलता है, लाइव वीडियोग्राफी होती है। अगर आपको लाइव नहीं दिखाना है तो सीधा लैपटॉप से कनेक्ट करके चला सकते हैं। दोस्तों, मेन बेसिक्स चीजें थी वो आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इसको खरीदा कहाँ से जाए, जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे, जहाँ पे बहुत से सप्लायर्स डिजिटल बोर्ड की डीलिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में। चलिए मैं आप लोग को उस वेबसाइट में लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इंडिया मार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हर टाइप के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड मिलने वाले हैं। अगर आप लोग चाहें कंपनी से डायरेक्टली बात करना, तो यहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए, एक नंबर दिया गया है साइट में, आप लोग देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है मिशा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इनका नंबर दिया गया है, आप लोग चाहें तो डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं और बार्गेनिंग भी करवा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा कि मैं कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप लोग रेंटल पर्पस के लिए ये सब बोर्ड्स दे सकते हैं। दोस्तों, इसका रेंट काफ़ी हाई होता है, आप लोग का काफ़ी प्रॉफिट होगा अगर आप लोग ये काम शुरू करेंगे। और मैं कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को ये चीज़ बता देता हूँ। और भी अगर आप लोग को यहाँ से सप्लायर्स के कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए हैं, तो नीचे आप लोग बात कर सकते हैं और बार्गेनिंग भी करवा सकते हैं। आजकल की जनरेशन में जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे, स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई कॉरपोरेट हो, वहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है और लोग इसको लगवाना पसंद करते हैं। आप लोग ने देखा होगा रोड साइड में भी डिस्प्ले बोर्ड लगे रहते हैं। और अगर आप लोग को रेंट में लगवाना है, तो आप लोग के पास कोई जगह खाली हो, तो आप लोग वहाँ पर कोई भी कंपनी का आप लोग लगवा सकते हैं। आप लोग बात करके अपने घर के ऊपर अगर कोई जगह खाली है, तो वहाँ पे आप लोग लगवा सकते हैं। या फिर अगर अपने पैसों से लगवाना चाहते हैं, तो आप कोई कॉमर्शियल एरिया में लगवाना चाहते हैं, तो नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है, तो आप लोग वहाँ पे भी लगवा सकते हैं। दोस्तों, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस डिस्प्ले बोर्ड को कहाँ लगवाते हैं और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो मैंने आप लोग को सब चीज़ बताई दी है। अगर आप लोग डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कंपनी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप लोग के मन में कोई सवाल है तो कंपनी से डायरेक्ट बात करिए। यहाँ पे बहुत से सप्लायर्स हैं और वेरीफाइड सप्लायर्स हैं, ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं। आप लोग बात करके हर चीज़ अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक का बटन दिया गया होगा, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों लाइक कर दें। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी। अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिसको ज़रूरत है उस तक ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। और मैं आप लोग के लिए इसी टाइप के बिज़नेस आइडियाज़ लेके आता रहूँगा, आप लोग की हेल्प करता रहूँगा आगे भी, ताकि आप लोग को पता चल सके किस किस टाइप के बिज़नेस होते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। Let's have a party, we'll all dance the floor.